अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे अपने घरों में। तो ये आपकी उर्दू की क्लास शुरू हो चुकी है, तो जल्दी से अपनी उर्दू की किताबें खोल लीजिए। और सफ़ा नंबर 18 आज का हमारा काम है, सफ़ा नंबर 18। तो सबसे पहले इल्म इजाफे की दुआ पढ़ लेंगे। रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमाइए। सबसे पहले आज की यहाँ पर तारीख मेंशन कर दीजिए, ठीक है? तो आज का काम वही है, हमने से ही लिखना है। टीचर ने से आपको करवाया है, आज हमने उसको दोबारा से लिखना है, ठीक है? तो पहले थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। ये क्या है? से समर। क्या है? समर। से समर। अब टीचर ने आपको से समर तो पढ़ा दिया था, लेकिन ये क्या है? ये अंडा है ना? से अंडा नहीं, अंडा तो है, लेकिन आप गौर से देखें कि अंडा कैसा है। एक अंडा टूटा हुआ है और एक अंडा पूरा है। और पूरे को क्या कहते हैं? साबुत। एक अंडा टूटा हुआ है मतलब आधा है, और एक अंडा पूरा साबुत है। तो से अंडा नहीं, से साबुत है, साबुत। इसी तरह आप साबुत कुछ भी ले सकते हैं, टूटी हुई कोई भी चीज़ हो तो उसे कहते हैं ये टूटी हुई है, लेकिन या फिर आधी है। पूरी चीज़ को कहते हैं साबुत, साबुत, ठीक है? से साबुत, से समर, ठीक है? अब जल्दी से पेंसिल ले लीजिए और लिखना शुरू करिए। आपने वैसे ही लिखना है, पहले बे की तरह बनाना है, ऊपर तीन नुक्ते डाल देने हैं, तो बन जाएगा से, ठीक है? तो आपने भी इस तरह नीट एंड क्लीन काम करना है, ठीक है? तो अब आपको टीचर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और बुक बंद करने के बाद हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सही है?